खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर है रायपुर से, जहां राधिका खेड़ा का रोता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की मीडिया प्रभारी है राधिका, जो कि पार्टी छोड़कर जा रही हूं। वो ये कह रही है, राधिका खेड़ा ने ये भी आरोप लगाया कि मेरे 40 साल के करियर में ऐसा नहीं हुआ, मेरी इंसल्ट की गई, मुझ पर चिल्लाया गया, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ, कौशल्या माता के मायके में बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, राधिका ने ये कहा। तो रोते हुए उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो आरोप लगा रही है कि मेरी इंसल्ट हुई है, 40 साल के करियर में कभी मेरे साथ इतनी बदतमीजी नहीं हुई है, मुझे बाहर निकलने के लिए कह दिया गया, छत्तीसगढ़ कांग्रेस से अब निकलने की बात कह रही थी। उन्होंने कहा, मेरे 40 साल के करियर में ऐसा नहीं हुआ है। राधिका खेड़ा का ये रोता हुआ वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, मेरी इंसल्ट की गई, मुझ पर चिल्लाया गया, मैं पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ, कौशल्या माता के मायके में बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, राधिका खेड़ा ने ये भी कहा। रायपुर में राधिका खेड़ा का जो रोता हुआ वीडियो है वो वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मीडिया प्रभारी है राधिका खेड़ा, उनका ये कहना है कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है। मीडिया प्रभारी है छत्तीसगढ़ की राधिका खेड़ा, एक बार फिर से आपको बता दें, उनका कहना है कि मेरे ऊपर चिल्लाया गया, मेरी इंसल्ट की गई, 40 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ। Yeah.
की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी के रुदन करता हुआ, आंसू बहाता हुआ, दिल को दुखाता हुआ वीडियो आज एक सामने आया। हमें भी बड़ा दुख हुआ। कौशल्या माँ की धरती में अगर कोई राष्ट्रीय नेता कांग्रेस की दुखी है तो हमारा भी मन विचलित होता है। आप कांग्रेसियों से बच लीजिए राधिका जी, बाकी छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा। ये मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन की गारंटी है। अब बताइए, ये महालक्ष्मी वंदन की बात करते हैं और अपने कांग्रेस की महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं। एक श्लोक बहुत स्पष्ट है, यत्र नारिस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजयन्ते सर्वस्त्रा फलाक्रिया। जहाँ नारियों का सम्मान नहीं है वहां पर उनके सारे पुण्य कम नाश हो जाते हैं, और जहाँ नारियों का सम्मान है वहां देवता रमनते हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस मीडिया प्रभारी है राधिका खेड़ा, जिनका एक रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। हम ऑडियो भी आपको सुना रहे थे कि राधिका खेड़ा अपने इस वीडियो में क्या कह रही हैं। उनका कहना है कि 40 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरी इंसल्ट हुई, मुझ पर चिल्लाया गया, मैं पार्टी से इस्तीफा दे रही हूं। अब इस पर जो बीजेपी नेता हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली रायपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले पूरा मामला है क्या, कुछ समझ में आया है किस बात को लेकर राधिका खेड़ा में इतना गुस्सा है? अभी तक कांग्रेस के अंदरूनी कलह की ये बात पूरी सामने आ रही है, और इस मामले में हालांकि राधिका खेड़ा से उनकी बहस हुई है, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर चर्चाएं तो हो रही हैं, लेकिन कौन है ये पार्टी के लोग बताना नहीं चाहते। राधिका खेड़ा ने भी इस बात का अभी खुलासा नहीं किया है कि उन्होंने किसने उनकी इंसल्ट की है और किसने उन्हें अपने ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहा है, लेकिन जिस तरीके की उनकी बातें सामने आ रही है तो राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो मीडिया विभाग है उसकी प्रभारी है और लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में उन्हें दिल्ली से रायपुर भेजा गया था ताकि छत्तीसगढ़ में मीडिया का कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से कर सके और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ की मीडिया विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन करे। तो उनका सीधे तौर से अगर देखा जाए तो लेना देना मीडिया विभाग से है, तो मीडिया विभाग से ही किसी न किसी उनका सीधा विवाद हुआ है, और उस विवाद के बाद बात ऐसी बढ़ी कि राधिका खेड़ा से दिल्ली में शिकायत करनी पड़ी, और जो उनका वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में वो साफ कहती हुई नजर आ रही हैं, रोते हुए किसी को ये बता रही हैं कि उनके साथ किस तरीके से इंसल्ट हुई, 40 साल का उनका जो जीवन है इस तरीके से किसी ने उनके साथ ऐसी बदतमीजी नहीं की है। इस बात को लेकर हालांकि राधिका खेड़ा ने भी तो साफ नहीं किया, लेकिन ट्विटर पर भी उन्होंने इस बात से जिक्र जरूर किया है कि कौशल्या माता की धरती में किसी नारी का सम्मान नहीं हो रहा है, पुरुषवादी मानसिकता यहाँ पे झलक रही है यहाँ के लोगों, मतलब सीधे तौर से कांग्रेस के जो नेता है उन पर उनका कटाक्ष है, लेकिन उन्होंने नाम का भी जिक्र नहीं किया है। अब चुनाव के समय में ऐसे में अगर इस तरीके का वीडियो वायरल होता है और उनका सोशल साइट एक्स पर जो कमेंट आता है, जो पोस्ट आता है जिसमें सीधे तौर से पुरुषवादी मानसिकता पर सवाल उठाए जाते हैं, तो ये पुरुषवादी मानसिकता कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को लेकर ही वो कटाक्ष कर रही है और उन्होंने उसका खुलासा करने की बात कही है। अभी तक उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है, ना ट्विटर से किसी तरीके की कोई जानकारी दी है, लेकिन इसको लेकर छत्तीसगढ़ में चर्चाएं जरूर हो चुकी हैं कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मीडिया विभाग कांग्रेस का जो है उस पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं जिस तरीके से राधिका खेड़ा का आया, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मुद्दे को लपक लिया है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि तीसरे चरण के मतदान छत्तीसगढ़ में होने हैं और सीधे तौर से अगर देखा जाए तो मीडिया विभाग ही कांग्रेस का जो है चेहरा बना हुआ है, कांग्रेस की सक्रियता का, कांग्रेस जवाब देने के लिए, तो ऐसे में उनके नेताओं पर सवाल उठेंगे तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं झटका लगेगा। और यही वजह है केदार गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने सीधे तौर से कहा है राधिका खेड़ा को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की है और कहा है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है छत्तीसगढ़ में, चूंकि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का सुशासन है और मोदी की गारंटी है तो उनका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उन्हें कांग्रेसियों से बचना चाहिए। जी जो जुल्फिकार, यानी कि साफ है, देखिए लगातार बीजेपी को घेरने का मौका बीजेपी नहीं छोड़ती है, बैठे बिठाए एक और मौका मिल गया। अब तक पार्टी में नेताओं की असंतुष्ट होने की, नाराज होने की खबरें तो हो ही रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से राधिका खेड़ा ने ये आरोप लगाया, हालांकि ये नहीं साफ हो पाया है कि किससे उनकी बहस हो रही है, किस पर वो आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मौका मिल गया है कांग्रेस पर सवाल खड़े करने का। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को मौका जरूर मिल गया है और इसके पहले भी कांग्रेस के अंदर भी चर्चाएं होती रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ये कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है, और राधिका खेड़ा जब से यहाँ पे प्रभारी बनकर आई और लगातार जो मॉनिटरिंग कर रही थी उसके अंदर कांग्रेस के जो
लोग हैं वो भी ये कहने लगे थे कि दिल्ली से आकर व्यक्ति उन पर डिक्टेट कर रहा है। छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है और यहाँ के समीकरण अलग हैं, दिल्ली के हिसाब से निकल रही, ऐसी बातें अंदरूनी तौर से निकल कर आ रही थी। अब राधिका खेड़ा ने सीधे तौर से अगर इस तरीके का उनका वीडियो वायरल होता है और सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करती है तो ये साफ है कि मीडिया विभाग के किसी न किसी व्यक्ति से उनकी नोकझोंक हुई। जब तक किसी का नाम सामने नहीं आया जाता, अधिकारी पुष्टि नहीं मिलती, तो हम उनके नाम की चर्चा भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी खाने में बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, मीडिया विभाग में भी सवाल उठ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को ये बड़ा मुद्दा मिल गया और भारतीय जनता पार्टी इसे पूरी तरीके से खेलने की कोशिश करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 7 मई को तीसरे चरण के 7 लोकसभा सीटों में मतदान होने हैं। कैसे में एक बड़ा मौका है कि कांग्रेस के लोग नारी की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, महालक्ष्मी योजना की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही एक नारी जो नेत्री है उसका ही सम्मान नहीं हो रहा है, वो खुद दुखी है, रो रही है, तो ऐसे में बड़ा मुद्दा मिल सकता है। जी, जुल्फिकार, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस खबर से जुड़ी हुई ताज़ा जानकारी भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल ये नहीं अभी तक पता चल पाया है कि कौन है जिस पर राधिका खेड़ा आरोप लगा रही हैं। लगातार जिस तरीके से राधिका खेड़ा का कहना है कि 40 साल के करियर में उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है, इतनी उनकी इंसल्ट की गई, बाहर निकल जाने को उनसे कहा गया,